दोस्तों, मैं मानव राघवेंद्र, आप देख रहे हैं TV18 न्यूज लाइव। खबर है तो दिखेगी जरूर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में कई प्रत्याशी आज जीत और मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं लखनऊ पश्चिम के भावी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के श्री कायम रजा खान। आइए करते हैं इनसे बातचीत। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है, लोग काफी परेशान हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? हमारे तो मुद्दे ये थे भैया कि जो है हमने पूरे लॉकडाउन में राशन बांटा है, 60,000 अभी जगह जगह हम लोगों ने सोचा है कि 10 से 12 कैंप लगाए जो गरीबों की मदद की जा सके। दवा आज का जो ये मेडिकल कैंप आपने लगाया है, इसमें यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि सरकार वो सुविधाएं नहीं दे पा रही है जिससे आपको आगे आना पड़ा? सरकार अगर दे रही होती तो हमें सुविधा देने की क्या जरूरत है। लोग बहुत परेशान है, पैसे से टूटे हुए हैं। एक तो महामारी चल रही है, दूसरे बंदी चल रही है, काम धंधा है नहीं, तो लोगों को ये होगा कि दवा जल्दी से। अच्छा, तो और आपके क्या बुनियादी मुद्दे होंगे लखनऊ पश्चिम विधानसभा में? जैसे आपने घूमा होगा, देखा होगा, क्या यहाँ पे प्रमुख मुद्दे हैं? प्रमुख मुद्दे तो यहाँ पे नाली पानी निकासी, दूसरे बिजली की समस्या सबसे ज़्यादा, पानी निकासी सबसे बड़ी समस्या, सबसे पहले हमें उसको ख़त्म करना। और सर, कुछ इंटीरियर एरियो में रोडों की स्थिति भी काफ़ी चिंताजनक है, ऐसे में क्या कहेंगे उनके बारे में? रोड भी बहुत जर्जर है, आपकी जो नई कॉलोनियाँ बसी हैं उसमें तो अब कहीं रोड ही नहीं बना हुआ है। जैसे मलपुर है, देखिए जाके वो हालत है, बिल्कुल इतना पानी भरा हुआ है, तो रोड का काम भी करवाना है। अगर पश्चिम की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील यही करना चाहेंगे, हमारा साथ दे पब्लिक, फिर हम जीतने के बाद हम पूरी पब्लिक का साथ देंगे। और जो कोरोना वैश्विक महामारी में आप लोगों ने जो राशन बांटे लोगों को या जो मेडिकल सुविधाएं बांटी हैं, तो क्या उसमें कोई पार्टी बात देखा गया है या सभी के लिए करा गया? सभी के लिए, सभी जनरल पब्लिक के लिए, जनरल। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमारे साथ कायम रजा खान जी थे, जिन्होंने आज ये मेडिकल कैंप लगाया है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो पूरा एक बार दिखा दे यहाँ मेडिकल कैंप को भी, कि किस तरह से यहाँ पे लोगों के लिए काम हो रहा है, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बेचारे गरीब हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको दवाइयों से मदद करी जा रही है, राशन से मदद करी जा रही है, हर एक चीज़ से कायम जी तुरंत लगे हुए हैं लोगों की सेवा में। और इस तरह से आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखा दें पूरा। तो अभी ऐसे मेडिकल कैंप आप कितने और लगाएंगे? 10 से 12 कैंप अलग अलग एरियो में। अलग अलग भाई हैं, उनकी टीम पूरी लगी है। डिफरेंट लोकेशन पे 10-12 कैंप्स कराने वाले हैं। डिफरेंट लोकेशन पे जब हम टीम जाती है, जिसमें आस्था की जाँच हो जाती है, जनरल चेकअप्स हो जाती है, शुगर की जाँचें हो जाती है, सब में हम लोग फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये हमारी जो टीम रहती है वो अलग अलग जगहों पे भी जाके लोगों को दवाइयाँ भी मुहैया कराती रहती है, और कायम रजा भी फ्री में दवाइयाँ भी बांटती है। और आगे चल के हम जितनी हो सकती है ज़रूरतमंद जितने भी होंगे सब लोगों की हम लोग आगे चलकर मदद भी करते हैं, और फिर जो भी होगा वो आप लोग भी उसमें सहयोग करते हैं। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में कई डॉक्टर्स लोगों को छू नहीं रहे, ना कोई नॉर्मल चेकअप कर रहे हैं, ऐसे में आप लोगों की ये मुहिम वाकई में ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत काम की है। और मैं चाहूँगा आप लोगों से कि मैं आप लोग इस तरह के करते रहें, और जैसा भी हम लोग को मौका मिलेगा हम लोग भी उसको कवर करते रहेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए TV18 न्यूज़ लाइव। मैं कैमरामैन ऋषभ के साथ मानव राघवेंद्र।